पढ़ते रहे भाई साहब, पढ़ते रहे। थोड़ा सा पीछे रखिएगा, थोड़ा सा नीचे। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे, और कल शाम को ही भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने मोर्चा संभाला और प्रदेश भर के कोने कोने में चौक चौराहों पर खड़े होकर हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और प्ले कार्ड पकड़कर जनता से वोट मांगने का काम भी शुरू किया, प्रचारों का अभियान भी शुरू किया। मैं आज यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के लिए यहाँ पे बीजेपी का प्रचार करने आई हूँ, और मैं यही बात सबसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियाँ सब सुरक्षित हैं, आप लोग विजयी श्री का आशीर्वाद देते हुए भाजपा की फिर से सरकार बनाइए, और 2022 में फिर से ज्यादा जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, सबकी सबकी अधिकारी सबसे पहले महिलाएं हैं, अधिकांश लाभार्थी महिलाएं रही हैं इस सरकार में, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। बहुत बारीकी से इन योजनाओं को मैंने देखा है, और आगामी समय में भी यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का की आवाज उठाने का हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बात जनता से आज हम यहाँ हुए हैं, और आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं हम लोग भाजपा के लिए। ये वही भाजपा सरकार है जिसने समाज में एक बदलाव ले आया, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है, विकास हो रहा है। जिस तरीके से 2017 में भाजपा की सरकार बनाई गई और सब लोग इसे लाभ, सबको लाभ मिला, उसी तरीके से आप सबसे फिर से निवेदन है कि भाजपा सरकार ले आए, विकास करें। 2022 में फिर से भाजपा की सरकार 300 पार। और कल शाम को ही भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने मोर्चा संभाला और प्रदेश भर के कोने कोने में चौक चौराहों पर खड़े होकर हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और प्ले कार्ड पकड़कर जनता से वोट मांगने का काम भी शुरू किया, प्रचार का अभियान भी शुरू किया है। एक नया तरीका है, और जो 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, वो चहुमुखी विकास है। और जो लोग कहते हैं कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मेरा अखिलेश जी से सवाल है, क्या अपनी सरकार में वो एक महीने में 300 घंटे बिजली भी दे पाते थे? वो 300 यूनिट बिजली फ्री क्या देंगे? जिनके जमाने में बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, मैं मीडिया के मित्रों से कहता हूँ, निकालिए पुरानी रिकॉर्डिंग, कपड़े सूखने डाले होते थे तारों पर, ये सपा की सरकार के समय था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। शहरों में 24 घंटे बिजली तो गांव में 20 घंटे बिजली देने का काम किया। किसानों को बिजली के दाम आधे करने का काम योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ये एक नई शुरुआत है, ये डबल इंजन की सरकार की पहचान है। जो कहते हैं नई सपा है, मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज करते हैं, लेकिन सपा गठबंधन की पहली सूची के बाद दूसरी सूची नहीं आ पाई, क्योंकि पहली सूची में या जेल वाले थे या बेल वाले थे। सपा गठबंधन आज नजर नहीं आता है, क्योंकि सपा गठबंधन की सूची में वो नाम है जो हर पुलिस थाने में जिनके नाम दर्ज है। जनता भूली नहीं है,
और इसीलिए छिप छिप कर नाम और टिकट दिए जा रहे। उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष पहले याद कीजिए, गुंडा राज माफिया राज के लिए जाना जाता था, असुरक्षित जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की बहू और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण करती है।